नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। लगातार सिटी पोस्ट आपको खबर दे रहा है कोरोना के संक्रमण से जुड़ी हुई, और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। अब खबर जो आ रही है वो चिंता आपकी बढ़ाने वाली है, क्योंकि बिहार में कोरोना के संक्रमण से लड़ने वाले जो डॉक्टर हैं वहीं बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं, और अब तक 50 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं, 5 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना का संक्रमण बहुत खतरनाक साबित हो रहा है और लोग डरे सहमे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से हर कोई दहशत में है। अब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। डर से ही लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब कोरोना योद्धा ही सुरक्षित नहीं हैं और दहशत में हैं, तो आम लोगों के दहशत का अंदाज़ा आसानी से आप लगा सकते हैं। और खबर जो आ रही है कि डॉक्टर की मौत के बाद जो डॉक्टर हैं, काम कर रहे हैं, और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो दहशत में हैं। और पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना के 3 मरीजों की बुधवार को मौत हुई है। एक डॉक्टर समस्तीपुर के सिविल सर्जन की मौत बुधवार को ही हुई है। और पटना एम्स में वर्तमान में 30 कोरोना संक्रमित डॉक्टर भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, और उनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे बिहार में करीब 50 डॉक्टर कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हैं, जिनमें से 5 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। तो डॉक्टरों की मौत से लोग दहशत में हैं, और बुधवार की सुबह पटना एम्स में भर्ती समस्तीपुर के सिविल सर्जन की मौत की खबर हमने आपको दी थी। उनकी मौत भी कोरोना के संक्रमण से हुई है। 14 जुलाई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और पटना एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और बुधवार की सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पटना एम्स में फिलहाल 3 सिविल सर्जन सहित 30 कोरोना संक्रमित डॉक्टर भर्ती हैं। इनमें सारण, नवादा के सिविल सर्जन और बिहटा की एक डॉक्टर शामिल हैं। इनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। कई वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। एम्स भर्ती 12 डॉक्टर स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन 3 डॉक्टर जान गंवा चुके हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी 18 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पीएमसीएच माइक्रोबायोलॉजी विभाग के 2 प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर समेत 6 डॉक्टर, एनएटी विभाग में 3, आँख विभाग में 1, स्त्री रोग विभाग में 7, एनेस्थीसिया विभाग में 2, क्लिनिकल पैथोलॉजी में 3, और मुख्य आकस्मिक चिकित्सा पदाधिकारी संक्रमित हो चुके हैं, और इनमें से 1 की मौत भी हो चुकी है। तो 5 डॉक्टरों की मौत से पीएमसीएच के डॉक्टरों में भी दहशत है, एनएमसीएच के डॉक्टर भी डरे हुए हैं, और पटना एम्स का हाल तो बुरा है। डॉक्टरों और चिकित्सकों का कहना है कि सुरक्षा संसाधनों की कमी के बीच उनको संक्रमितों का इलाज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो मरीज आता है, पता नहीं कौन कोरोना से संक्रमित है कौन नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलता है, लेकिन उसके पहले ही वो संक्रमित हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको पीपीई किट उपलब्ध नहीं है, उनको ग्लव्स उपलब्ध नहीं है, और जो सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं वो नकली हैं, उसमें पानी की मिलावट की जा रही है। तो पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर जो खुलासा कर रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है। जूनियर डॉक्टर जिनके बलबूते पर अस्पताल चलता है, वहीं मरीजों की देखभाल करते हैं, उनके हड़ताल पर जाने से पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है, और वहीं डॉक्टर दहशत में हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनको जो सैनिटाइजर दिया जा रहा है उसमें पानी मिलाया हुआ है, उनको मास्क नहीं मिल रहा है, उनको ग्लव्स नहीं मिल रहा है, उनको पीपीई किट नहीं मिल रहा है, और जो डॉक्टर बीमार हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है उन्हें खाने में सड़ा हुआ अंडा मिल रहा है। तो जब कोरोना योद्धा की ये हालत है तो आम लोगों की क्या हालत होगी? भैया, अरे आप बच के रहो, यही एक उपाय है। संक्रमण से बचिए, अपने परिवार को बचाइए, नहीं तो अस्पताल के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो आपको बचाने वाला है, जो आपका इलाज करने वाला है, वही डर में है, दहशत में है और खुद संक्रमित हो रहा है, उसकी जान पर ही आफत आई हुई है। ऐसे में आप कितने सुरक्षित हैं, खुद अंदाज़ा लगाइए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत अहमियत रखता है। एक
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. Lockdown के समय, lockdown के बाद, हम हैं आपके साथ।